अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लशिंग इल्मा। तो आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ स्किन केयर रूटीन को। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो मेरे पास दो फेस वॉश है मामा अर्थ के। पहला है ओपटन फोमिंग फेस वॉश, ये मुझे 399 का मिला है। ये ऑल स्किन टाइप है, ब्राइटनिंग करता है आपके फेस को बहुत ज़्यादा अच्छा। इसके अंदर टर्मरिक एंड सेफ्रन है, पैराबेन एंड सिलिकॉन फ्री है एंड माई फेवरेट फेस वॉश है। तो नेक्स्ट है हमारे पास मामा अर्थ विटामिन सी फोमिंग फेस वॉश विद विटामिन सी एंड टर्मरिक। ये आपकी स्किन को डीपली क्लीन करता है। मामा अर्थ के सारे प्रोडक्ट नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने हैं। ये मुझे 399 का मिला है। इसका जो फोमिंग ब्रश है ये आपके फेस को स्क्रब करके डीपली क्लीन करता है। इससे पहले जो मैंने ओपटन फेस वॉश यूज़ किया था वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। अभी मेरा ओपटन फेस वॉश फिनिश हो गया है तो मैंने अभी विटामिन सी का फेस वॉश ऑर्डर किया, अभी मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ। तो अगर मैं आपको इसका ऑनेस्टली रिव्यू दूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा ओपटन फेस वॉश बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, क्योंकि उससे फेस ब्राइट होता है एंड विटामिन सी का फेस वॉश भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, फेस बहुत डीपली क्लीन हो जाता है। तो आप अपने फेस के अकॉर्डिंग इसको ले सकते हैं। देन सेकेंड है हमारे पास क्रीमी फेस क्लींजर फॉर सेंसिटिव स्किन। तो ये हमारे फेस को क्लीन करता है एंड हाइड्रेट रखता है। ये सिलिकॉन एंड पैराबेन फ्री है। अगर आपका फेस बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। डर्मा के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो सेंसिटिव स्किन के लिए ही ज़्यादातर अच्छे होते हैं। तो इसलिए अगर आपके फेस पर पिंपल या एक्ने कुछ भी हो, आपके फेस पर कुछ सूट ना करता हो, तो आप डर्मा के प्रोडक्ट ले सकते हैं और इससे आपके फेस कोई भी बैड इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। देन नेक्स्ट है हमारे पास एम कैफीन का नेक एंड ड्रॉ कॉफ़ी फेस स्क्रब। स्क्रब करने से हमारे फेस की डेड स्किन रिमूव हो जाती है। आप कोई सा भी स्क्रब अपने फेस पर यूज़ कर सकते हैं। हफ्ते में दो बार आपको स्क्रब ज़रूर करना चाहिए। अगर हफ्ते में दो बार नहीं कर सकते हैं तो एक बार तो ज़रूर करना चाहिए। इससे आपकी डेड स्किन रिमूव हो जाती है एंड फेस क्लीन हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास मामा अर्थ विटामिन सी फेस मास्क। वैसे तो आप कोई सा भी फेस मास्क लगा सकते हैं, बट मेरे पास मामा अर्थ का फेस मास्क है। ये ऑल स्किन टाइप होता है और ये नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना होता है, इसलिए इसको हर कोई यूज़ कर सकता है। ये मुझे 499 का मिला था। आप इसको ले सकते हैं और इससे कोई भी बैड इफ़ेक्ट आपके फेस पर नहीं पड़ेगा। ऑयली स्किन के या ड्राई स्किन के इसको दोनों लगा सकते हैं। फेस पैक हमारे फेस के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, इससे हमारे फेस को हाइड्रेशन मिलता है। जो भी ओपन पोर्स होते हैं वो सब क्लोज हो जाते हैं फेस मास्क की हेल्प से, इसलिए आपको हफ्ते में एक बार फेस मास्क ज़रूर लगाना चाहिए। इससे हमारी स्किन पर ग्लो आ जाता है। देन नेक्स्ट है हमारे पास गुड वाइब्स रोज टोनर। इसको मैं अपने फेस पर हर बार जब भी मैं फेस वॉश करती हूँ तब इसको मैं ज़रूर अप्लाई करती हूँ। फेस टोनर से हमारे फेस को हाइड्रेशन मिलता है एंड इससे हमारे फेस की जो चमक होती है वो बरकरार रहती है, इसलिए आपके फेस को हाइड्रेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये थी मेरी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।